हाँ जी गिद ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू अनदर डे एंड अ थर्सडे व्लॉग। आज एज ऑलवेज एज यूजुअल कहना चाहूँगा, मैंने मेक श्योर किया कि मैं रेस्टोरेंट के लिए टाइम पे निकलूँ एंड देन टाइम पे पहुँचूँ। रेस्टोरेंट पहुँचते ही सबसे पहले मैंने मेक श्योर किया कि जो हमारा गेस्ट एरिया है वो गेस्ट को वेलकम करने के लिए सेटअप हो जाए। उसी के साथ ही साथ आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल व्यू आ रहा था हमारे रेस्टोरेंट का, और फिर बैकग्राउंड में मैंने किचन भी सेटअप करना स्टार्ट कर दिया था, और साथ ही साथ मैंने हमारा पार्ट भी लगा लिया था। पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, रेस्टोरेंट में बहुत अच्छी गुड वाइब्स आती है। उसके बाद मैंने चेरिश की मेरी एक्स्ट्रा चिल्ड एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग कोल्ड कॉफ़ी। आफ्टरनून्स आजकल थोड़े ज़्यादा हॉट हो रहे हैं, थोड़ी ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, तो दिस इज़ अ मस्ट। उसी के साथ ही साथ स्लोली ऑर्डर्स भी रोल इन होना चालू हो गए थे। स्लो पेस में ऑर्डर्स चल रहे थे, बट एक के बाद एक ऑर्डर्स कंटिन्यूसली चालू थे। और लंच रश जैसे ही थोड़ा सा वाइंड डाउन हो गया था, उसी के साथ ही साथ मैंने मेरा लंच खुद का चेरिश किया। वेज बिरयानी या फिर आप पुलाव भी कह सकते हैं उसको, मेरी फेवरेट ड्रिंक डाइट कोक के साथ चेरिश किया मैंने। और फिर स्लो पेस पे ऑर्डर्स भी चालू थे, और बीच में से ऑलमोस्ट इवनिंग हिट करते करते लार्ज क्वांटिटी ऑर्डर्स भी आना चालू हो गए थे। और फिर जैसे मिज़म प्लास कंटिन्यूस चालू ही होता है, उसमें से ये एक बहुत डेली का इम्पॉर्टेंट मिज़म प्लास होता है हमारा, इम्पॉर्टेंट की प्रिपरेशन होती है। ये है हमारी फ्रेश डो जो हम नीड करते हैं हमारे कुलचा के लिए। और फिर जैसे ही मैंने डो नीड किया, उसी के साथ इवनिंग भी हिट कर गई थी। इवनिंग के साथ स्लो पेस में ऑर्डर्स भी आना चालू हो गए थे। पार्ट लगाते ही स्लो पेस पे ऑर्डर्स आ रहे थे। आज थोड़ा ज़्यादा बिजी नहीं था डिनर, ऑफकोर्स थोड़े दिनों से मैं अकेला हूँ, और मेरे जो हेल्पर है वो अचानक से जो 3 दिन की छुट्टी लेनी थी उन्होंने, अभी तक पता नहीं 5-6 दिन हो गए हैं और गायब है। तो ये थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाता है मेरे लिए एज अ शेफ, एज एन ओनर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है, बिकॉज जो एक्सपेक्टेशंस आपकी होती है स्टाफ से, उसके बाद भी वो छुट्टी देने के बाद भी, पेड लीव्स देने के बाद भी वो ऐसा करते, तो थोड़ा सा गुस्सा आता है। और फिर जो आपकी प्रेपरेशंस होती है वो सब करते करते थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेसफुल भी हो जाता है बॉडी के लिए, बिकॉज आप इतने दिन से अकेले जब इतनी सारी चीज़ें कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा टफ हो जाता है बॉडी के लिए, एंड माइंड के लिए भी थोड़ा सा टफ हो जाता है, बिकॉज स्ट्रेसफुल हो जाता है मेंटली फिजिकली, क्योंकि ऑर्डर्स इतने सारे रोल इन होते रहते हैं, कंटिन्यूस आपको प्री प्रिपरेशंस करनी होती है, मिज़म प्लास करना होता है, सारी जो टास्क होते हैं किचन के या और फ्रंट ऑफ द हाउस के भी, तो बेसिकली मैं ही हैंडल करता हूँ फिर अकेला, अगर मेरे हेल्पर नहीं आते हैं तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। और आप ये चीज़ हर रेस्टोरेंट ओनर या फिर हेड शेफ से सुनेंगे ही सुनेंगे कि उनका स्टाफ उन्हें तंग करता है, बिकॉज वो एक्सेस हॉलीडेज ज़्यादा ही लेता है। आई अंडरस्टैंड कि 1 या 2 छुट्टी पर वीक लेना यू नो यूजुअल होता है, बट जब 4-4 छुट्टियाँ 1 वीक में होती है तो थोड़ा सा इरिटेशन आ ही जाता है। और फिर ऑर्डर स्लो पेस पे चल ही रहे थे, डिफरेंट ऑर्डर्स कुलचाज छोले आज कंटिन्यूस चालू थे स्लो पेस में साथ ही साथ, एंड देन कुछ हमारे रेगुलर्स के भी टेक अवेज थे जो चालू थे, और फिर लास्ट ऑर्डर्स फिनिश करके मैंने रेस्टोरेंट क्लोज किया। ऑफकोर्स जो क्लोजिंग टास्क थे उन्हें क्लोज करते करते थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया था, तो फिर मैंने जैसे ही मेक श्योर किया कि अराउंड मिडनाइट से ज़्यादा स्ट्रेच ना करूँ, और फटाफट काम फिनिश करके मैं रेस्टोरेंट लीव किया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्यूटिफुल पीपल।